फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में जयपुर एसओजी और एटीएस की ओर से आरोपी जुबेर को अजमेर न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई को 14 दिसंबर के लिए टाल दिया गया है। मामला वर्ष 2017 का है, जब जयपुर एटीएस एसओजी ने अजमेर लिंक रोड स्थित जुबेर के ठिकाने के साथ ही अलग अलग स्थानों पर अवैध हथियार को लेकर दबिश दी और इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आरोपी जुबेर मोहम्मद उस्मान और जफर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान फॉर्म नंबर 16 भी जब्त किया गया, जिसके माध्यम से हथियारों के गलत लाइसेंस बनाने की बात सामने आई थी। जानकारी के अनुसार मोहम्मद जुबेर सहित अन्य आरोपियों द्वारा कश्मीर से बैकडेट में लाइसेंस अवैध रूप से बनाने की बात सामने आई थी, जिस पर लगातार सुनवाई की जा रही है। इस मामले में आरोपी मोहम्मद उस्मान को जमानत मिल गई, तो वहीं मोहम्मद जुबेर और जफर न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है। आज मंगलवार को आरोपी जुबेर को फॉर्म 16 के दुरुपयोग के मामले में अजमेर न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई को बुधवार तक टाल दिया गया। आरोपी के विरुद्ध फर्जी रूप से हथियार लाइसेंस बनाने और उक्त का आदान प्रदान करने का आरोप है, जिसे लेकर जयपुर एसओजी और एटीएस में जांच में जुटी है। इस प्रकरण में आरोपी को अजमेर लाया गया है। प्रकरण बहुत पुराना है, वर्ष 2017 में एटीएस जयपुर ने एक प्रकरण खोला था फर्जी हथियारों के लाइसेंस का। उस प्रकरण में जांच करते समय 3 मुलजिम जो थे, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद जुबेर और मोहम्मद जफर, गिरफ्तार किए गए थे। मोहम्मद जफर से जांच करते समय देवास में देवास गन हाउस के नाम से उसकी गन की दुकान थी, उससे एक फार्म नंबर 16 जब्त किया गया था। फार्म नंबर 16 वो दस्तावेज होता है जिसको कलेक्टर के द्वारा इशू होता है, किया जाता है दुकानदार को, और उस पर यह मेंशन होता है कि वो कितने हथियार किसी दूसरे दुकानदार से परचेज कर सकता है। तो एक तरीके से दूसरे हथियारों को, दूसरे दुकानदार से हथियार परचेज करने का लाइसेंस होता है वो। तो वो उस जो जांच के लिए अजमेर भेजा गया, तो कलेक्टर ने पाया कि वो फर्जी है। उस आधार पर अजमेर किशनगंज थाने में 365/17 एक FIR दर्ज की गई, जिसमें बाद में इन तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद उस्मान की इसमें से जमानत हो चुकी थी, अब मोहम्मद जुबेर और मोहम्मद जफर जेल में हैं। आज JM 5 में जुबेर की हैंडराइटिंग जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसको आप लोगों ने शूट किया। इस प्रकरण में जुबेर की जमानत लगी हुई है, जफर की जमानत लगी हुई है, और तारीख पेशी कल नियत की गई है। आज DA साहब अवकाश पे थे, इसलिए सुनवाई हो नहीं सकी।